इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, नहीं कुछ किए हुए, सबको नियंत्रित रखिए हुए, आप ही बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब, आप लोगों को नहीं मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, और कोई काम तो होता ही है, सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है, यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है, समझ गए ना। एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है, बेचारा तो वो मानिए कि समर्थक है तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई च्वाइस नहीं है, सारा च्वाइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे, अगर अधिक से अधिक लोग तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, नहीं कुछ किए हुए, सबको नियंत्रित रखिए हुए, आप ही बोलिए कैसा नियंत्रित किए हुए आप सब, आप लोगों को नहीं मतलब पूरा का पूरा हर चीज पर, और कोई काम तो होता नहीं, इसलिए अगर सबका विकास होना है पूरे देश का और सचमुच काम होना है, और दूसरी बात है कि एक ये भी ना है उद्देश्य कायम रखने के लिए समाज में एक टकराव पैदा कर दो, समझ गए कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का कुछ टकराव पैदा करके ऐसा विवाद करते रहो जिसमें कि हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, तो बहुत उस तरह की बात है, इसलिए हम लोग सबको एकजुट करना इसलिए चाहते हैं कि मिल करके देश के हित में लोग काम करें, बहुत आगे बढ़ेगा, यही बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है देश की, गाड़ी में चल जाइए, गाड़ी में जनरल आ लीजिए।